बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, साथ ही साथ समता मूलक समाज की पक्षधर भी है। समता मूलक का अर्थ ये होता है कि सभी जाति और सभी धर्मों को साथ लेकर के चला जाए। इस पार्टी का नगर अध्यक्ष बनना अपने आप में एक गौरव की बात होती है। अगर हम टुंडला नगर की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से हेमंत पौनिया, जो बहुजन समाज पार्टी के एक सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, उनको अपना नया नगर अध्यक्ष चुना है। विशेष बात यह है कि हेमंत पौनिया की ये लोकप्रियता का ही परिणाम है कि वो बिना किसी चुनाव के निर्विरोध मनोनीत नगर अध्यक्ष बने हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और हर व्यक्ति के लिए एक गौरव की भी बात है। बहुजन समाज पार्टी के नव मनोनीत नगर अध्यक्ष हेमंत पौनिया हमारे साथ हैं। हम उनसे उनके राजनीतिक योजनाओं के बारे में, राजनीतिक जो भविष्य है उसके बारे में बातचीत करें। हेमंत जी, हेक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं नगर के, तो इस समय जो चुनौतियां हैं आपके सामने वो क्या क्या हैं? चुनौती हमारे सामने ये है कि हमारे जो लोग हमसे बीएसपी से हमारे बहुत पुराने जुड़े हुए थे, वो बेचारे बिछड़ गए, बीच में दूर हो गए हमसे, उनकी निष्क्रिय हो गए हैं वो। उन्हें पार्टी से जोड़ना, उनके लिए आगे अच्छे से अच्छे प्रयास करना, उन्हें आगे तक ले संग लेके चलना, ये तो रही चुनौती की बात। अब आप नगर अध्यक्ष हैं, तो आपने सबसे जो प्राथमिकता की चीज़ें हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय आपके सामने क्या है? प्राथमिकता ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और हर समाज, हर वर्ग मूल के लोगों को जोड़ना, जिससे और जितने भी कार्यक्रम हैं पार्टी के वो भलीभूत यहाँ पर कराना और इस पार्टी को, पार्टी तो अपने आप में खैर उस लेवल पे है ही है, उसे उससे भी आगे लेके जाना। अच्छा हेमंत जी, एक जो विशेष बात सामने जो आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है और ये लोकसभा में गठबंधन होता है, तो आपको कैसा और किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है? हमें तो बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार ही कार्य करने हैं। अब बहन जी हमें वो निर्देश देंगी कि हमें समाजवादी पार्टी के संग चलना है, तो उनके संग हम मिल के प्रयास करेंगे और अपनी जो यहाँ की लोकसभा की सीट है उसे निकालेंगे। अच्छा, तो विजयी घोषित। बीएसपी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे हैं, अब दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के सामने, क्योंकि आप नगर अध्यक्ष हो, मुखिया हो नगर के, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि जो समाजवादी पार्टी के लोग आपके ध्रुव विरोधी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से दोनों में सामंजस्य बैठा होगा? ये टुंडला नगर है, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के संग मिलजुल के ही रहना पसंद करते हैं और अब तो हमें पार्टियों ने भी हमें निर्देश दे दिए हैं, तो अब तो हम और अच्छी तरह से और एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ आगे तक चलेंगे। अच्छा हेमंत जी, सब एक चीज़ विशेष रूप से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में तमाम तरह की जातियाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कई तरह के धर्म के लोग भी हैं, तो नगर टुंडला में भी ये स्थिति है कि मुस्लिम भी समाज बहुजन समाज पार्टी में हैं और हिंदुओं में तमाम जातियां हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी में हैं, तो हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धुरी एक दूसरे के विपरीत अब तक रही हैं, तो इनको किस तरह से एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास करें? हमारा तो शुरू से एक ही नारा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। अब इसमें सब कुछ आपको मिल गया होगा। हम लोग तो बस सब लोगों को संग लेके ही चलते हैं और हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमारे नगर में आज तक ऐसा कहीं महसूस ही नहीं हुआ हमें कि यहाँ पर ये हिंदू है या मुस्लिम है, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। शहर हमारा, शहर छोटा सा शहर है, एक दूसरे से प्यार बना है लोगों का, एक दूसरे के लिए सम्मान रखते हैं लोग, इसलिए ऐसे कोई मतलब विरोध का कोई मतलब ही प्रश्न नहीं उठता। अच्छा, आपने जो नगर की कार्यकारी बनाई है वो किस तरह की बनाई है जिससे सारे जातियाँ सारे धर्मों के लोग संतुष्ट हो सके? हमारे नगर की कार्यकारिणी में हमारे मुस्लिम समाज से भी उपाध्यक्ष हैं, हमारे वाल्मीकि समाज से हमारे क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष हैं,
और सचिव जो हमारे सचिव हैं वो हमारे ठाकुर समाज से हैं, तो हमने सभी लोगों को एक संग जोड़ने के प्रयास किया है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को किसी भी तरह का कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो बीजेपी ने ना तो व्यापारी वर्गों को छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, ना मतलब किसी कोई भी वर्ग में चले जाओ आप, व्यापारी पे जीएसटी, व्यापारी पे क्या कहते हैं आपने नोटबंदी का भी भार डाला, जीएसटी का भी भार डाला, उसके बाद किसानों पे आपने कहा कि किसानों का कर्जा 1 लाख रुपए माफ़ होगा, आपका बजट नहीं है और आप 1 लाख रुपए माफ़ कैसे कर रहे हैं। हमारे यूपी में 8 लाख किसान था, आपका बजट देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए, तो ये मतलब सब जुमले की सरकार चल रही है, उन लोगों से बचें। और हम लोगों को जैसे आप लोग हमेशा से प्यार देते आए हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाते आए हैं, ऐसे ही आप लोगों का सम्मान हम करते हैं, और आप लोगों को फिर से अपनी पार्टी में आने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और कोई भी हमसे आपके लिए कोई भी कार्य हो, हम आधी रात आप लोगों के लिए खड़े हैं। ये थे बहुजन समाज पार्टी के नव मनोनीत नगर अध्यक्ष हेमंत पोनिया, जिनसे हमने उनकी राजनीति को लेकर विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर बातचीत की। उनका साफ साफ कहना था कि उनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए उनको सक्रिय करना और पार्टी के काम में लगाना। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर भी बताया कि उनकी प्राथमिकता यही है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्य हैं, जो दिशा निर्देश उनको बहन जी का या बड़े नेताओं का मिलेगा उस पर कार्य करेंगे और सभी धर्म सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे। सपा बसपा की दोस्ती को उन्होंने भी जायज ठहराया है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता हालांकि ध्रुव विरोधी रहे हैं लेकिन अब दोनों में दोस्ती हो गई है, तो हम एक दूसरे का पूरी तरह से साथ करेंगे और एक मंच पर आकर के दोनों ही पार्टियों का जो भी प्रत्याशी होगा उसे जिताने का भी काम करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ राम रावल, हेक्स न्यूज़, फिरोजा।